फर्स्ट बुक बिहाई फ्रॉम दिस लेसन पेज दिस फॉर द टॉप इज रीडिंग द ऑडियंस एंड दिस लेसन हैज बीन डिवाइडेड टू पार्ट्स फर्स्ट पार्ट संतोष यादव अबाउट हर आई टोल्ड यू पॉइंट टू पॉइंट आई एक्सप्लेन होल चैप होल पार्ट belonging Santosh Yadav. Now you will get recently PDF of questions. So let's start second part. Second part is Maria Sharapova. As you know, just I provided you knowledge about Santosh Yadav. She was a girl. But as a girl, she made a great achievement in the world. She became popular all over the world as first woman climbing on the mountain. वो सबसे पहले चढ़ी थी माउंटेन पर और पहली महिला बन गई. तो आज कोई चीज से इनकार नहीं कर सकता कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती हैं. इफ फ्रीडम फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू एनीवन एंड ही इज लेबोरियस सी इज लेबोरियस डिवोटेड पर्सन श्योरली ही और सी विल गेट सक्सेस इन द वर्ल्ड मे बी फ्रीडम लाइफ कोई भी हो. तो आइए सारा मारिया शारापोवा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो माउंटेनियर के रूप में माउंटेन क्लाइंबर के रूप में फेमस हुई. और ये मारिया शारापोवा गॉट ग्रेट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ गेम टेबल टेनिस के क्षेत्र में गेम के क्षेत्र में इसने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की. हाउ I am going to summarize this lesson. Be attentive to listen. Maria Sharapova also got a great achievement. She made top position of women's tennis on August 22nd, 2005, when she was 18 years old. जब वो 18 वर्ष की थी, तभी उसने ये सफलता प्राप्त की. और टॉप पोजिशन पर पहुंच गई थी. हु मारिया शारापोवा वुमेन्स टेनिस के क्षेत्र में वुमेन्स महिला टेनिस आप जानते ही होंगे उसके टॉप पोजिशन पर अपना प्लेस बना दी. मारिया एक्चुअली बाय बर्थ सी वॉज वेरी पुअर सी बिलोंग टू पुअर फैमिली सी वॉज बोर्न इन साइबेरिया सिचुएटेड इन रशिया. वो गुड टेनिस प्लेयर बनी कैसे? शुरू से ही उसका इंटरेस्ट था. उसका इंटरेस्ट होता प्रैक्टिस करता तो बन जाता है. उसके फादर ने डिसाइड किया तो देखा वाई हर फादर नोटिस हर टैलेंट ही डिसाइडेड टू हेल्प हर. यहाँ नोटिस नहीं किया गया या पहले और हेल्प किया गया. जब उसके फादर ने डिसाइड किया हेल्प करने के लिए सी वॉज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड 10 वर्ष से भी कम लेस देन 10 ईयर्स ओल्ड. फादर उसको ले जाते ही फ्लोरिडा लेके जाते हैं सिचुएटेड इन लोकेटेड इन यूएसए. उसकी मदर को वहाँ ठहरना भी पड़ता है ऑन अकाउंट ऑफ वीसा रिस्ट्रिक्शन सेपरेशन. एक्चुअली माँ तो फादर ले जाते ही तो माँ को छोड़ना पड़ता है साथ उसका अलग होना पड़ता है. और ये माँ से जो सेपरेशन बनता है सेपरेशन फ्रॉम द मदर माँ से जो सेपरेशन होता है अ ग्रेट सेक्रीफाइस हर किसी के लिए होता है. सारा मैटर इन फर्स्ट चांस तो बहुत से ज़्यादा होता है. सो मैं
दिया सार्कोमा के लिए भी, दैट वाज अ ग्रेट सैक्रिफाइस। वह अकेली थी, बहुत दुखी थी, लेकिन रिमाइंड हो गई थी। कौन अकेली थी? मारिया सारापोवा वाज अलोन, शी वाज वेरी सैड, फुल ऑफ सॉरो, बट शी रिमाइंड कर लिया था टू अचीव एक्सीलेंस, टॉप पोजिशन इन पेरिस। मारिया सारापोवा ने टॉप पोजिशन प्राप्त करने के लिए डिटर्मिनेशन अपने अंदर संकल्प कर लिया था उसने। हर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग की बात अगर आती है तो आज यंगर सी वेंट टू बेड, जब यंग थी बहुत प्रैक्टिस करती थी और सोती थी 8 बजे, ऑलवेज सी यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। चल एक आर्ली अर्ली गो टू बेड, अर्ली वेकअप, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। दूसरे टेनिस प्लेयर जो है वो कमरे में आते थे 11 PM पर और 8 PM पर चले जाते थे। वे उसको जगाते थे, ऑर्डर करते थे, लेकिन जो सीनियर्स होते हैं हमेशा रैकिंग करते ही हर जगह उसको जगा कर उसके काम कराते थे, प्लीज प्ले द रूम, कमरे को शार्प करो, और वो शार्प करते थे। बट दिस वॉज द मैटर ऑफ ह्यूमिलेशन और द उसके लिए इंसल्ट ह्यूमिलेशन का विषय था। बट सी नेवर कंप्लेन, कभी उसने कंप्लेन किया ही नहीं। सैलेंटी सी फॉलोड, चुपचाप करती थी, और इसी चीज ने उसको शांत कर दिया। अपना जो एम है एम को प्राप्त करने के लिए उसकी जो डिटर्मिनेशन था उसमें और फर्मनेस आ गया। वो चाहते थे टॉप पर पहुंचना, और टॉप पर पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना होता है, पेशेंस रखना होता है। उसका चौंकना था अचानक और तेज से वो आगे बढ़ती है, और 4 ही वर्ष लगते ही प्रोफेशनली तो टॉप उसमें पहुंच जाती है। 2001 की बात करें तो वो लेडीज सिंगल क्राउन एट विंबलडन में वो जीत चुकी थी सिंगल क्राउन। फिर जो उसका सीक्रेट सक्सेस है, जो उसका सफलता का एक सीक्रेट है, मिस्ट्री एक रहस्य है, वो तो क्या है? हार्ड वर्क, लेबर, और उसका जो मेंटल, उसका जो डिटर्मिनेशन है, वो कॉम्पिटिटिव माइंड की थी, डिटरमाइंड हो गई थी रिटेन हर पोजिशन अपने को प्राप्त करने के लिए। वो सी कीप्स हर ऑन हर टोस, अपने पैरों पे खड़ा हो जाती थी, और भी जो टीनेज गर्ल्स थी उन्हीं की तरह से वो सेंसेशनल, उसकी भी कुछ हॉबीज थी, वो लाइक करती थी, क्या सोफिस्टिकेटेड इवन गाउन पहनना पसंद करती थी, वो फैशन पसंद करती थी, गाना सिंगिंग एंड डांसिंग। वो मारिया शारापोवा वो डिटेक्टिव बुक भी पढ़ती थी, नॉवेल्स पढ़ती थी, रिटन बाय आर्थर कोनन डॉयल। वो पैनकेक्स खाती थी, चॉकलेट वाला फिजी ओरिजिनल्स। और एटीट्यूड की बात किया जाए, टेनिस का बिजनेस, जैसे टेनिस बिजनेस है तो पैसे भी कमाई शिकार एक्सेप्ट करती है, मनी इज बिग मोटिवेशन है, लेकिन वो सोचती है कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ल्ड में नंबर एक पर बनना है। उसका जो फर्स्ट पैट्रियाटिक फीलिंग था, सी हैड आल्सो पैट्रियाटिक फीलिंग। एक्चुअली मैंने सर्वा बिलोंग्स रसिया, वो रसिया से बिलोंग करती है, ठीक है, लेकिन वो अमेरिका में रहती थी, इसीलिए अमेरिकन बहुत अच्छे से बोलती है, ओके, लेकिन वो रशियन लैंग्वेज को भी अपने रशियन लैंग्वेज का भी नॉलेज सकती है। थैंक्स अगेंस्ट, प्लीज राइट समरी ऑफ दिस लेक्चर।